अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ समरीना एंड टुडे वी आर हेयर विद अनदर टॉपिक दैट इज़ विक्शल्स ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी और वी कैन से अनदर बिजनेस इन्वेस्टमेंट थ्योरी। ठीक है, तो इससे पहले हमने बिज़नेस थ्योरीज़ को स्टडी किया है। लाइक मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को इन डिटेल स्टडी किया है देन यू विल बी क्लियर टू द नेक्स्ट थ्योरीज़ एज वेल, क्योंकि ये सारी थ्योरीज़ जो हैं वो लाइक एपिसोडिक लेक्चर्स हैं। तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स को स्टडी नहीं किया देन यू शुड स्टडी, सो देन यू विल बी क्लियर अबाउट टुडेज़ लेक्चर एज वेल। ओके, तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो फर्स्ट वन वाज द बिजनेस साइकिल थ्योरी, जिसमें आपने बिजनेस साइकिल्स को इन डिटेल स्टडी किया था, दैट व्हाट आर द स्टेजेस एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फ्लक्चुएशंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स। ओके, आफ्टर दैट यू हैव स्टडीड द सनस्पॉट थ्योरी एंड देन हॉट रेस मॉनिटरी थ्योरी एंड आफ्टर दैट अंडर कंजम्पशन थ्योरी। द प्रीवियस लेक्चर वाज द अंडर कंजम्पशन थ्योरी, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। ठीक है, तो ओवर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, किसने प्रेजेंट किया, व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ द बिजनेस हाउ द साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कैन कॉज इन दिस थ्योरी वी विल स्टडी इन टुडेज लेक्चर। ओके, ओवर इन्वेस्टमेंट, जैसे बाय द नेम ओवर इन्वेस्टमेंट, तो ओवर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो दो इकोनॉमिस्ट ने इन्वेस्टमेंट थ्योरीज़ को प्रेजेंट किया था। ठीक है, फर्स्ट ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय नट विक्शल, एज वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर नट विक्शल्स ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। एंड द सेकेंड थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय एफ ए वॉन हेयर। This theory was based upon analysis that monetary forces is the main cause of fluctuation in investment. ठीक है, तो उस theory को तो हम next lecture में detail में देखेंगे। But according to Bichel, innovation is the basic reason of investment. ठीक है, आज की theory में जो Bichel ने argument दिया है that is based upon the innovation, that innovation is the basic reason of investment. तो आज हम विक्शल थ्योरी ऑफ ओवर इन्वेस्टमेंट स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, सो ये थ्योरी बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेस करती है, या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम उसे कह सकते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि नेचुरल रेट या सॉरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ द बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू हैव टू पे टू द बैंक। जब बैंक आपको लोन देता है या आप बैंक से बोरो करते हैं देन यू हैव टू पे सम इंटरेस्ट रेट, दैट इज़ कॉल्ड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक्चुअली जो आप बैंक को मींस पे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं। सो दिस थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग अजम्पशंस, दीज आर देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, मीन्स कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ऑल द पीपल्स आर फुली एम्प्लॉयड, दे आर डूइंग द वर्क, दे आर वर्किंग एंड देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। फाइन, सेकेंड अजम्पशन इज इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मीन्स कि इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। इन्वेस्टमेंट लेवल तब बढ़ता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कम हो जाता है। अंडरस्टूड सी बात है, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होगा तो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से बोरो करेंगे और बैंक से बोरो करने के बाद आप क्या करेंगे, उसी मींस के जो आपने वहाँ से लोन लिया है उसको आप इन्वेस्टमेंट में यूज़ करेंगे। फाइन, ओके, सेकेंड वन इज़ सेविंग इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स सेविंग लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, कैसे, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता है। ठीक है, मीन्स देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दीज आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर।
हम ये भी कह सकते हैं एज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्लाइन द सेविंग लेवल विल डिक्लाइन एंड सो इन दिस वे इन्वेस्टमेंट लेवल विल इंक्रीज. फाइन ओके. आफ्टर दैट हेयर आई हैव सम मीन्स पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट जिसको हम स्टडी करते हैं. तो देख लेते हैं कि इसमें उन्होंने क्या बताया है. ओके, फर्स्ट वन इज लाइक दे आर सेइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द स्पेंडिंग. सॉरी, इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज एंड लाइक वी कैन से द सेविंग लेवल हैज़ बीन डिक्लाइन. अब ये कैसे होगा कि इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज हो गया और सेविंग जो है वो कम हो गई है. बैंक हैज़ गिवन द क्रेडिट एट लोअर इंटरेस्ट रेट. सबसे पहले क्या हुआ है, बैंक हैज़ गिवन द क्रेडिट और यू हैव बोरोड फ्रॉम द बैंक. आपने बैंक से बोरो किया है एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. जैसे बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया तो आपने वहाँ से बोरो करना शुरू कर दिया. ठीक है, अब बोरो करने के बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ गया है. आफ्टर दैट प्रॉफिटेबल एंड एक्सपेंशन फेज. जैसे ही वो लेवल जो है वो प्रॉफिटेबल हुआ है देन एक्सपेंशन फेज जो है वो आपके बिजनेस साइकिल में वो स्टार्ट हो चुकी है. जिसको हम आफ्टर दैट हम ये भी कहते हैं कि बूम पीरियड स्टार्ट हो चुका है या बूम पीरियड की तरफ हम जा रहे हैं, लाइक पीक पॉइंट. ठीक है, अगर आप साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की बात करें तो पीक पॉइंट वॉज देयर. सो इन दिस वे बैंक हैज़ गिवन द क्रेडिट एंड लोअर इंटरेस्ट रेट, एक्सपेंशन इन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल सिचुएशन हैज़ बीन अकर एंड आफ्टर दैट एक्सपेंशन फेज. सो मीन्स यू आर गोइंग टू द पीक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, हेयर इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग. अब क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ गया और सेविंग लेवल कम हो गया. अब यहाँ पे ये कैसे हुआ है, मीन्स कि आपने क्या किया, बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया. ठीक है, हम मीन्स लिंक को लेके साथ चलते हैं. इन्वेस्टमेंट लेवल आपका बढ़ गया है, आपने इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा दी है, आप बैंक में सेव नहीं कर रहे. ठीक है, तो जब ऑलरेडी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ही बढ़ा रहे हैं या फिर आप बोरो करते जा रहे हैं, बैंक से बोरो करके भी आप इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ा रहे हैं, या आपके पास जो अपना पैसा था आप उसको भी इन्वेस्टमेंट में लगाए जा रहे हैं, तो सेव तो हो ही नहीं रहा. ठीक है, सेविंग की कंडीशन तो आ ही नहीं रही. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग लेवल. ठीक है, ओके, तो इन्वेस्टमेंट ने जैसे ही मींस एक्सीड किया है सेविंग लेवल को, तो उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ओवर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो मींस के इन्वेस्टमेंट जो है वो अब ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, वाइल सेविंग लेवल हैज़ बीन डिक्लाइन इन द इकोनॉमी. सो आफ्टर दैट सेविंग इज़ इनसफिशियंट. ठीक है, बैंक के पास भी इतना क्रेडिट नहीं है क्योंकि किसी ने सेव ही नहीं किया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बहुत लो किया हुआ था और आपके पास भी सेविंग लेवल कम हो गया. तो उसके बाद क्या होगा, एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एंड हो चुकी है, अब आपकी इन्वेस्टमेंट अब एंड की तरफ जा रही है एंड देन रिसेशन फेज वुड बी स्टार्टेड. ठीक है, तो अब क्या होगा, रिसेशन फेज स्टार्ट होगा या फिर हम कह सकते हैं कि अब डिक्लाइनिंग फेज जो है मींस के स्टार्ट हो चुका है इन द इकोनॉमी. ओके ओके, हेयर द एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट इज मेड पॉसिबल. मीन्स जो फ्लो चार्ट में आपने सारी बातों को स्टडी किया है दैट हैज़ बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ. The expansion investment is made possible because of availability of bank credit. ठीक है, expansion of investment तब ही possible होती है जैसे bank credit जो है वो available हो. At a lower money rate of interest. ठीक है, rate of interest जब कम हो. The expansion in economic activity causes when investment exceeds saving. ठीक है, तो एक्सपेंशन जो है वो फेज तब आती है जब इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ जाता है और सेविंग लेवल कम हो. अगेन इट मे बी नोटेड दैट देयर इज़ ओवर इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ओवर इन्वेस्टमेंट की कंडीशन हो जाती है, तो ओवर इन्वेस्टमेंट जो है वो अल्टीमेटली दोबारा किस तरफ जा रहा है, रिसेशन की तरफ. ठीक है,
बिकॉज द लेवल ऑफ सेविंग इज इनसफिशियंट टू फाइनेंस द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कॉजेज द इकोनॉमी टू गो इनटू द रिसेशन. ठीक है, तो अब क्या हो गया है कि एक्सपेंशन से इकोनॉमी दोबारा रिसेशन की तरफ जा रही है. ठीक है, अब उसके बीच का सारा लिंक क्या था कि ओवर इन्वेस्टमेंट है, रीज़न ही यही है. जैसे कि हमने थ्योरी में देखा है देर इज़ ओवर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. तो ओवर इन्वेस्टमेंट का बेसिक रीज़न क्या था कि बैंक ने क्या किया है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिया है. तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोन प्रोवाइड करेंगे तो इकोनॉमी में क्या कंडीशन हो जाएगी, ओवर इन्वेस्टमेंट सिचुएशन विल बी देयर इन द इकोनॉमी. ठीक है, However, another set of innovations occur or more new markets are found which stimulates investment. Thus, when investment picks up as a result of new innovation, the economy revives and moves into the expansion phase once again. अब वो कह रहे हैं कि कुछ इस तरह से भी दोबारा से न्यू इनोवेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से एक्सपेंशन फेज की तरफ जा सकते हैं. ठीक है, तो इट इज़ द साइक्लिकल फ्लक्चुएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, बिजनेस साइकिल में हमने यही देखा है ना कैसे जो है वो बिजनेस साइकिल पहले रिसेशन, फिर पीक, फिर डिक्लाइन की तरफ जाता है. तो सेम लाइक दिस थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन द फ्लक्चुएशंस बट रीज़न वाज चेंज. ओके, इसके अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में ये भी बताया गया है, when money rate of interest would be less then our economy would be expand. ठीक है, जैसे ही money rate है या फिर nominal interest rate है bank की तरफ से वो कम कर दिया जाता है तो economy हमारी expand करती है. ठीक है, और on the other sense means expansion की तरफ जाती है. fine, on the other hand when money rate of interest would be greater या फिर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, देन देयर वुड बी कंट्रैक्शन फेज इन द बिजनेस साइकिल. तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में या फिर हमारी बिजनेस साइकिल में कंट्रैक्शन फेज जो है वो हो जाती है. मींस इंटरेस्ट रेट वुड बी लेस देन आवर इकोनॉमी वुड बी एक्सपेंड, इफ इंटरेस्ट रेट वुड बी ग्रेटर देन आवर इकोनॉमी वुड बी कंट्रैक्ट. So these are the conclusion of this theory. Fine. Okay. On the next theory, we will study about over investment theory by F.A. Vaughan. Inshallah. Allah Hafiz.